This is Arshia Chauhan. Welcome to my channel Target Study Point. Today we will discuss size 3.2 and chapter name is Smart Dresses. Okay, in this exercise, question number 1 is let A equals to given matrices A, B and C. We have 3 matrices here and we need to find the value of these 3-5 things. ठीक है, इन पांचों के लिए हमें values find करनी है. So let's start. First one is A plus B. अच्छा, इसको समझने से पहले जब भी हमें matrices का addition करना होगा या फिर subtraction करना होगा, ठीक है, तो always keep remember order should be same. अगर order same होगा matrix का तभी ये operation possible है, otherwise operations possible नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है कि जो matrices का order है वो क्या होना चाहिए, same होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये 2x2 ऑर्डर है, दिस इज 2x2 एंड दिस इज ऑल्सो 2x2. सो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कैन बी परफॉर्म. सो जस्ट राइट फॉर ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए इज 2, 3, 4, 2 प्लस मैट्रिक्स बी इज 1, -2, 3 एंड 5. ठीक है, तो क्या होगा, जस्ट जो A11 पोजीशन पर है और जो यहाँ B11 पोजीशन पर है, दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे. सो 2 + 1 = 4 + 3 = 3 - 2 and 2 + 5. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 2 + 1 = 3 = 7, 3 - 2 = 1 and 2 + 5 = 7. सो दिस इज द आंसर ऑफ A प्लस बी. ओके, नाउ चेक फॉर सेकेंड, A - B क्या हो जाएगा, जो A मैट्रिक्स है उसमें से हमने B मैट्रिक्स को माइनस करना है 3, 5. ठीक है, सो A - B यहां से क्या मिल जाएगा, 2 - 1, 4 - 3. देखो इस एलिमेंट में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 में से 1 को, A11 जो पोजीशन है उसमें से B11 वाली पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो 3 - -2 = 3 - -2 and 2 - 5. नाउ सॉल्व इट, A - B, 2 - 1 = 1, 4 - 3 = 1 and 3 - - plus हो जाएगा तो 3 + 2 = 5 and 2 - 5 = -3. ओके, नाउ चेक फॉर 3A - C. सो 3A - C. सो पहले हम A में 3 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मेक सब्ट्रैक्शन. सो 2, 3, 4, 2 माइनस वैल्यू ऑफ C इज, C का वैल्यू कितना है, -2, 3, 5, 4, ये इसकी वैल्यू है. ओके, सो यहां से मिलेगा 3A - C, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 3, 2, 6. और ये रूल है मैट्रिक्स का कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के आउटसाइड में है तो जब उसकी एंट्री होगी तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लीकेशन करेगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में, 3, 2, 6, 3, 4, 12, 3, 3, 9 and again 3, 2, 6 -2, 5, 3 and 4. ओके, 3A - 6, 6 - -2 and 12 - 5, 9 - 3 and 6 - 4. On subtracting 3A - 6, 6 - -2 + 6 + 2 हो जाएगा ये, दैट इज 8 एंड यहां से 7 एंड 9 - 3 = 6 एंड 6 - 4 = 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3A - C. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, इट इज AB. वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. सो जस्ट चेक हियर, देन वी कैन राइट AB 2, 3, 4, 2 एंड 1 - 2, 3, 5. ओके, सो टू मल्टीप्लीकेट these two term, just see here, 2nd matrix का column and 1st matrix की row, इस तरीके से हम multiply करेंगे. So we will get
फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो के साथ, सो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर हियर, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा एंड सेकेंड एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। ओके, नाउ यही कॉलम आप सेकेंड रो के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, सो वी विल गेट फ्रॉम हियर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। ओके, सो फर्स्ट कॉलम का जो काम है वो फिनिश हो गया। नाउ गो फॉर सेकेंड कॉलम, सो इट विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो। ओके, सो वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इट विल गो नाउ विद सेकेंड रो, सो वी विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ सॉल्व इट, 2 माइनस 4 टू जा 8 एंड 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20 एंड 3 2 टू जा 4 एंड 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। ओके, माइनस 6 माइनस 1 एंड 26 एंड 90। ओके, इन दिस वे वी कैन स्टूडेंट्स नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट इज वी नीड टू एड 2 मैट्रिसेस हियर, सो इफ 2 मैट्रिसेस हैज सेम ऑर्डर देन दे कैन बी एड, तब उनको एड किया जा सकता है। सो वी विल गेट फ्रॉम हियर ए प्लस ए, ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट के साथ जाएगा एंड बी प्लस बी एंड माइनस बी प्लस बी एंड ए प्लस ए। नाउ ये हो जाएगा 2a एंड दिस इज 2b एंड 2a एंड दिस वन विल बी 0, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दीज टू। ओके, नाउ चेक फॉर पार्ट 2, जस्ट चेक द ऑर्डर 2 बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 बाय 2, सो मैट्रिसेस कैन बी एडेड, सो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाले जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाएंगे। नाउ वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस सी एंड दिस इज b plus c whole square and this is a minus b whole square of a minus b. Now leave here. Okay, this is the answer. Now check for question number 3. First of all check order 3 by 3 ka ye matrix hai and 3 by 3 ka hi ye matrix hai, so they can be add, in dono ko hum add kar sakte hain. ठीक है, सो जस्ट राइट हियर माइनस 1 माइनस 1 प्लस 12 फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट एंड 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6 एंड 8 प्लस 8 एंड 5 प्लस 0 एंड 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 एंड 5 प्लस 4। नाउ कैलकुलेट दिस, ऑन कैलकुलेटिंग वी विल गेट फ्रॉम हियर 11, 11 यहां मिल जाएगा एंड दिस इज 0 एंड 16, 5, 21, 5 एंड 10 एंड 9, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हमने ऐड करना है, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ 2 बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 बाय 2, that's why we can add these two matrices. Okay, we will get cos square x plus sin square x, isko iske sath mein add karna. Okay, sin square x plus cos square x and yahan se aapko milega sin square x plus cos square x aur yahan se milega cos square x plus
साइन स्क्वायर एक्स एंड वी नो द फॉर्मूला, इनकी जो वैल्यूज आएगी भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, सो इट इज 1 एवरीवेयर. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस फॉर दीज फोर पार्ट्स. जस्ट पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन. इट इज कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज दिस. नाउ वी नीड टू चेक हियर वन थिंग, जस्ट check the order first. It is of 2 by 2 and it is also 2 by 2. So, we need to check here. Jo first column hai, jo first matrix hai, uske number of columns should be equal to second column number of rows. Kya hona chahiye? Number of columns matrix A and it should be equal to number of rows in matrix बी. अगर ऐसा होता है तो हम उन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट यहाँ इक्वल है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट हियर. जस्ट वी विल डू फर्स्ट कॉलम विथ फर्स्ट रो, सो इट विल ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी एंड इट विल गो फिर नेक्स्ट रो सेकेंड रो, सो इट इज माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी. सो फर्स्ट कॉलम डन. नाउ गो फॉर सेकेंड कॉलम, इट विल मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट रो, सो इट इज ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए. नाउ इट विल डू मल्टीप्लीकेशन विथ सेकेंड रो, सो इट इज माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी एंड प्लस ए मल्टीप्लाई बाय ए. नाउ कैलकुलेट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी प्लस ए बी. फ्रॉम हियर माइनस ए बी प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, नो नीड टू राइट प्लस हियर, एंड ए स्क्वायर. ओके, जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, जीरो. And this is also zero. And from here, a square plus b square. Okay, this is done for question number part one. Okay, now check the order here. This is 3 by 1, and this is 1 by 3. Now check the number of columns of first matrix, that is 1, and number of rows in matrix V, that is 1. So these two are equal. So we will multiply. कैसे होएगा? First column with first row. पहले column की multiplication पहली row से आप करेंगे. So it will be 1 multiplied by 2. Now go for second. So 2 multiplied by 2. Now go for third. So 3 multiplied by 2. First column का जो काम था वो फिनिश हो गया. नाउ कम टू सेकेंड कॉलम, सो इट विल बी 1 by 3. पहले ये फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेगा, देन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड रो एंड इन द लास्ट इट विल मल्टीप्लाई बाय लास्ट रो. नाउ सेकेंड कॉलम का भी जो काम था मल्टीप्लीकेशन का वो फिनिश हो गया. नाउ गो टू थर्ड कॉलम, सो इट विल मल्टीप्लाई फर्स्ट विथ 1. So 1 multiplied by 4 and now with second row, so 2 multiplied by 4 and now with third row, so it is 3 by 4. So we will get matrix from here, 1 into 2, 2, यहां से 3, 4 and 2 to 4 यहां से हो जाएगा and 3 to 6 and 2 to 4 to 8. इसको सॉल्व करके हमें इनका प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स मिल जाएगा. ओके, नाउ चेक फॉर दिस वन पार्ट थ्री. पार्ट थ्री का जो ऑर्डर है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 by 2 एंड सेकेंड वन इज 2 by 3. ओके, सो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है. नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हियर, जस्ट फर्स्ट रो विथ फर्स्ट फर्स्ट कॉलम विथ फर्स्ट रो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 1 multiplied by 1 माइनस 2 multiplied by 2. नाउ इट विल मल्टीप्लाई विथ सेकेंड रो, सो इट इज 2 multiplied by 1 प्लस 3 multiplied by 2. इन द सेम मैनर वी विल डू फॉर सेकेंड कॉलम.
अब हम सेकेंड कॉलम के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉलम क्या है, 2, 3। तो ये पहले फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा, सो इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड विथ सेकेंड रो नाउ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब थर्ड कॉलम के साथ, सो 1 × 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। नाउ कैलकुलेट दैम, 1 -4 एंड 2 -6 एंड 3 as it is -2 एंड यहां से 2, 3 × 6, 2 × 4 एंड 3 × 9 एंड 2, 3 × 6 एंड 3 × 1 = 3। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, सो 1 - 4 is -3, 2 - 6 is -4 एंड 3 - 2 = 1 एंड 2 + 6 = 8, 4 + 9 = 13 एंड 6 + 3 = 9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। नाउ इन पार्ट 4 जस्ट चेक द ऑर्डर, इट इज ऑफ 3 by 3 एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 by 3। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल हियर। जस्ट प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट हियर। सो इट इज फर्स्ट कॉलम विथ फर्स्ट रो, सो ये हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। 2 multiply by 1, 2 आ जाएगा एंड 3 multiply by 0, सो 0 एंड 4 multiply by 3, दैट्स मीन 12। नाउ दिस कॉलम विल मल्टीप्लाई विथ सेकेंड रो, सो इट इज 3 multiply by 1, 3 एंड 4 multiply by 0, 0 एंड 5 multiply by 3 is 15। Now it will go for third row. So 4 multiply by 1 is 4 and 5 multiply by 0 is 0 and 5 multiply by 3 is in the last we have 6, ठीक है। थर्ड रो की बात कर रहे हैं, तो 5 multiply करेगा 0 से तो 0 आ जाएगा। Now 6 multiply by 3 is 18, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, नाउ स्टार्ट पे सेकेंड कॉलम। सो वी विल गेट फ्रॉम हियर, जब ये फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेगा, 2 multiply by -3, इट मीन्स -6, ओके। नाउ 3 × 6 एंड 4 multiply by 0, 0। नाउ मल्टीप्लाई पे सेकेंड रो, सो 3 multiply by 3 is -9 प्लस 4 multiply by 2 is 8 एंड 5 multiply by 0 is 0। नाउ कम टू थर्ड रो, सो 4 multiply by -3, इट इज -12 प्लस 5 × 10 एंड 6 multiply by 0 is 0, ओके। नाउ इसका भी काम खत्म, नाउ कम टू थर्ड कॉलम। सो ये क्या होएगा, 2 multiply by 5 बनेगा 10 प्लस 3 multiply by 4 = 12 एंड 4 multiply by 5 = 20। नाउ गो फॉर थर्ड सेकेंड रो, सो 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16 एंड 5 × 5 = 25, ठीक है। नाउ फोर थर्ड रो, 4 × 5 = 20 एंड 5 × 4 = 20 एंड यहां से 6 × 5 = 30। यहां से हमें ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। नाउ एड दम, सो 12 + 2 = 14, 15 + 3 = 18, 18 + 4 = 22, ठीक है। यहां ये बन जाएगा 0 एंड -9 + 8 - 1, -12 + 10 = -2 एंड यहां से एड करिए, दिस इज 2 एंड 2 + 1 = 3 + 1 = 4, 42 एंड फ्रॉम हियर 5 × 5 = 10 + 6 = 16 + 6 = 1 + 3 + 1 = 4 + 1 = 5 एंड 20 × 20 = 40 + 30 = 70, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस फॉर पार्ट 4। पार्ट 5, सो जस्ट चेक द ऑर्डर, इट इज 3 by 2 and this is 2 by 3. Number of columns of matrix A should be equal to number of rows of matrix B, ठीक है। अगर ऐसा होता है then multiplication is possible, okay? So we can multiply here, just do that. So first column, first row, so 2 multiply by 1, 2
and 1 multiply by 1 minus 1. Now go for second row. 3 multiply by 1 is 3 and 2 multiply by minus 1 minus 2. Now come to third row. Minus 1 multiply by 1 minus 1 and 1 multiply by minus 1. It is also minus 1. So pehle column ka kaam finish ho gaya. Now come to second column. It will go first row. So 2 multiply by 0 is 0 and 1 multiply 2 is 2. And now come to second row. 3 multiply by 0 is 3 and 2 multiply by 2 is 4 and minus 1 third, अब third row पर आएंगे तो minus 1 जब 0 से multiply करेगा तो 0 and 1 multiply करेगा 2 से तो यहां 2 आ जाएगा. ठीक है, तो second column का भी काम खत्म हो गया. Now come to third column. So it will go for first row. So 2 multiply by 1 that is 2 only. Okay, and plus 1 multiply by 1 is only 1. Now come to second row. 3 multiply by 1 is 3 and 2 ones are 2. And yahan se milega minus 1 plus 1. Okay, now 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1 and this is minus 2, 2, 4, 2 and 3, 5, 0. Now check for part 6. Just check the order. It is 2 by 3 and this is 3 by 2 and number of columns of matrix A should be equal to number of rows in matrix B. So these are equal, that's why product is possible here. Okay, just start. First row with first column with first row. So 3 to the 6, ठीक है, plus अब ये element इसके साथ जाएगा तो यहां बनेगा minus 1 and third one इसके साथ जाएगा. So 3 3 is a 9. क्लियर, तो फर्स्ट रो का काम खत्म. नाउ इट विल कम टू सेकंड रो. इट इज माइनस 2 माइनस 1 इनटू 2 माइनस 2 प्लस 0 एंड प्लस 6. ओके, नाउ फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया. नाउ कम टू सेकंड कॉलम. सो फर्स्ट रो के साथ जाएगा. ऐसे मार्किंग कर लेना चाहिए. मार्किंग करने से क्या होता है, आपको याद रहता है कि किस रो और किस कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं. बहुत सिंपल है, पहले कॉलम को लेना है, पहले दोनों रोज के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है. रोज ऐसे चलती है ना, हॉरिजॉन्टली चलती है, तो हमने हॉरिजॉन्टली ही नेक्स्ट अपना मैट्रिक्स फॉर्म करना है. ठीक है, तो ये बन जाएगा यहां से माइनस 3 जब मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो माइनस 9 एंड 0 एंड प्लस 3. नाउ गो फॉर सेकंड रो. इट इज प्लस 3. यहां से हमें मिलेगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 0 एंड प्लस 2. ओके, सो यहां से आएगा 6 प्लस 9 15 माइनस 1 कितना 14 एंड 6 माइनस 2 इज 4 एंड माइनस 9 प्लस 3 इज माइनस 6 एंड 3 प्लस 2 इज 5. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. Okay, just pause the video to be noted down.